बिना बोटॉक्स और फिलर्स के अपने चेहरे को कैसे लिफ्ट और प्लम्प किया जाए, फाइन लाइंस, रिंकल्स, झुरियां, इन्हें कैसे सॉल्व किया जाए, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। हेलो हेलो एंड वेलकम टू स्किन केयर सिंप्लीफाइड। मेरा नाम है निपुण, आपकी स्किन केयर बेस्टी, नाउ अ सर्टिफाइड स्किन केयर कंसल्टेंट, और आज मैं आपको दूंगी दुनिया का सबसे पावरफुल एंटी एजिंग रूटीन। इस रूटीन के जरिए आप अपने फाइन लाइन और रिंकल्स को तो कंट्रोल कर ही सकते हैं, साथ ही साथ जो स्किन लूज हो जाती है उसे भी आप टाइट कर सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको रिमाइंड कर दूं कि सितंबर का गिव अवे चल रहा है। 2 लकी सब्सक्राइबर्स जीत पाएंगे 10,000 रुपीज या 500 दिरहम्स के स्किन केयर बॉक्सेस। तो वीडियो को आखिर तक देखना और वीडियो के दौरान स्क्रीन पे जो आपको क्वेश्चंस नजर आएंगे उनका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सारे क्वेश्चंस का जवाब देंगे तभी आप क्वालिफाई करेंगे। इसलिए सब्सक्राइब करें चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि आने वाली वीडियोस से आप अपडेटेड रहें। मैं नई वीडियोस लाती हूं हफ्ते में 3 बार, संडे, वेनेसडे और फ्राइडे। अब करते हैं वीडियो को शुरू। शुरुआत करते हैं सुबह के स्किन केयर रूटीन के साथ, यानी आपका एएम स्किन केयर रूटीन। ये होगा आपका एएम स्किन केयर रूटीन क्लेंजर, हायलुरोनिक एसिड या कॉस्ट्रेक्स का स्नेल म्यूसिन एसेंस, विटामिन सी, मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन। अभी मैं आपको इसके डिटेल्स देती हूँ। स्किन एजिंग का एक बहुत बड़ा पार्ट है ड्राइनेस। जैसे जैसे हमारी स्किन एज करती है स्किन ऑटोमेटिकली ड्राई हो जाती है। इसलिए याद रखें कि आपका क्लेंजर हमेशा एक हाइड्रेटिंग क्लेंजर होना चाहिए। सेटाफिल, सेरावी, कोई भी ऐसा क्लेंजर लें जिससे झाग ना बने, जो क्रीम बेस्ड हो। यह आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखेगा। दैट इज नंबर वन। नंबर टू, स्किन को हाइड्रेट और प्लम्प करने के लिए हायलुरोनिक एसिड एक अमेजिंग इंग्रेडिएंट है, लेकिन इससे भी ज्यादा बेटर है कॉस्ट्रेक्स का स्नेल म्यूसिन एसेंस, क्योंकि इसमें दो प्रोडक्ट्स हैं, स्नेल म्यूसिन और हायलुरोनिक एसिड। स्नेल म्यूसिन जो होता है एंटी एजिंग बेनिफिट्स रखता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, रेडनेस कम करता है, फाइन लाइन रिंकल्स पे भी काम करता है। इसलिए अगर आपको स्नेल म्यूसिन एसेंस मिलता है तो हायलुरोनिक एसिड की जगह आप स्नेल म्यूसिन एसेंस लगाएंगे, स्टेप नंबर टू। और स्टेप नंबर थ्री होगा विटामिन सी सीरम। विटामिन सी सीरम में मैं रेकमेंड हमेशा करती हूँ एक विटामिन सी सीरम जिसमें एटलीस्ट 15-20% कॉन्सेंट्रेशन हो विटामिन सी की। वाटर सॉल्यूबल फॉर्म्स सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं और स्किन को बेनिफिट भी देते हैं। तो उसमें आ गया आपका विटामिन सी सीरम। फिर अगर स्किन ड्राई है तो मॉइस्चराइजर ज़रूर लगाइएगा और फिर सनस्क्रीन। अगर आपको लगता है कि आपको मॉइस्चराइजर की ज़रूरत नहीं है तो डायरेक्टली सनस्क्रीन लगाएंगे, 3 fingers full। सनस्क्रीन में बिल्कुल कंजूसी ना करें, बिकॉज सनस्क्रीन को इफेक्टिव होने के लिए एक मिनिमम क्वांटिटी आपको लगाना बहुत ज़रूरी है। तो मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन क्लियर है, क्लेंजर, कॉस्ट्रेक्स स्नेल म्यूसिन एसेंस, विटामिन सी, मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन। आगे बढ़ने से पहले मैं विटामिन सी के बारे में आपको एक चीज बता दूं कि ये इंग्रेडिएंट थोड़ा सा अनस्टेबल है। अनस्टेबल कैसे? बहुत सारे लोगों को जब वो विटामिन सी शुरू करते हैं कभी कभी थोड़ी एक्ने आ जाती है, थोड़ी सी रेडनेस हो जाती है चेहरे पे। ये विटामिन सी और आपकी स्किन के एडजस्टमेंट का पीरियड होता है, तो ये हमेशा ध्यान रखें जब आप विटामिन सी शुरू करते हैं। हफ्ते में रोज ना लगा के 1-3 बार लगाएं। जैसे जैसे स्किन रिस्पॉन्ड करती है आप उसको फिर डेली लगा सकते हैं। वो हो गया पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, विटामिन सी लगाते समय ये हमेशा ध्यान रखें कि आंखों के नीचे, नोज के साइड पे, लिप्स के साइड पे, ये एरियाज बहुत सेंसिटिव होते हैं। यहां डायरेक्टली अपना सेरम ना लगाएं, अपने चेहरे पे, गर्दन पे, गर्दन के पीछे, इस एरियाज पे अपने विटामिन सी सीरम को अच्छे से पैट करें। तो ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है और ये है आपके विटामिन सी सीरम के रेकमेंडेशंस। एक बहुत जरूरी चीज मैं आपको बताना और दिखाना चाहती हूं और वो ये है कि ये सारी चीजें बिल्कुल बेअसर हो जाएंगी अगर आपने सनस्क्रीन का डिसिप्लिन ना रखा। अब ये फोटो देखें। इस फोटो में जिन आदमी को आप देख रहे हैं ये होते थे अपने जमाने में ट्रक ड्राइवर। इनके चेहरे का एक साइड ज्यादा डैमेज है, झुरियां ज्यादा है, एक साइड पे कम है। क्यों? क्योंकि जिस साइड पे ऑफकोर्स ये सनस्क्रीन नहीं लगाते थे, लेकिन जो साइड सन को डायरेक्टली एक्सपोज थी उस साइड पे उनको ज्यादा रिंकल्स हैं और जिस साइड पे एक्सपोजर कम था वहां कम है। सन डैमेज रिस्पॉन्सिबल है 99% स्किन एजिंग के लिए। स्किन एजिंग ही नहीं, हाइपर पिगमेंटेशन, ओपन पोर्स, ये सारी चीजें होती हैं सन डैमेज से। तो सनस्क्रीन जरूर लगाएं 3 fingers full और सनस्क्रीन को हर 2-3 घंटे में रीअप्लाई करें। लेडीज को प्रॉब्लम होती है कि हमने मेकअप लगाया है तो हम कैसे रीअप्लाई करें? सनस्क्रीन स्प्रे यूज कर सकते हैं, विशी का अमेजिंग है।
या आप यूज कर सकते हैं एक सनस्क्रीन बेस्ड कॉम्पैक्ट। लैक्मे का मिलता है इंडिया में, मैं यूज करती हूँ शिशेडो का, ये सारे ही बहुत इफेक्टिव है। इससे आप अपने सनस्क्रीन को रीअप्लाई कर सकते हैं। सो ये रीअप्लीकेशन इज क्रिटिकल। और दूसरी बात, बाहर आप नहीं जा रहे हो, घर के अंदर ही हो, या अगर आपको लगे कि आज तो धूप नहीं निकली है, लेकिन फिर भी सनस्क्रीन को जरूर लगाएं। सनस्क्रीन को किसी भी हालत में स्किप ना करें। आई एम होपिंग कि सुबह का रूटीन क्लियर हो गया होगा। अब मूव करते हैं रात के स्किन केयर रूटीन में। अब इस रूटीन को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, यानी कि दो टाइप के इंग्रेडिएंट्स इस रूटीन में होने चाहिए। एक इंग्रेडिएंट वो होगा जो आपके स्किन जो लूज हो गई है उसे टाइटन करेगा, स्किन में कोलेजन की प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, आपके स्किन को फर्म करेगा, वो इंग्रेडिएंट है पेप्टाइड्स। और दूसरा इंग्रेडिएंट है जो आपके स्किन के सेल टर्नओवर को बढ़ाएगा, जिससे आपके फाइन लाइंस और रिंकल्स कम होंगे, वो है रेटिनॉल। अब इसे एक रूटीन में कैसे लाना है मैं आपको बताती हूँ। रात को सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करनी है, भले आप एक लेडी हैं या एक आदमी है, आपको डबल क्लेंस जरूर करना है। अपने चेहरे से सनस्क्रीन, मेकअप, इन चीजों को उतारना बहुत जरूरी है, वरना आपके क्लॉग्ड पोर्स में दुनिया का सबसे महंगा स्किन केयर भी पेनिट्रेट नहीं करेगा। सो दैट्स नंबर वन। चेहरे को डबल क्लेंस करने के लिए आप यूज कर सकते हैं क्लेंजिंग बाम या क्लेंजिंग ऑयल। इसे आप लेंगे, ड्राई चेहरे पे लगाएंगे, अच्छे से मसाज करेंगे, फिर वॉश करेंगे। उसके बाद आपका जो रेगुलर क्लेंजर है जो आप सुबह यूज करते हैं, उसी को आप रात को यूज करेंगे, आपका चेहरा हो गया क्लीन। स्टेप नंबर टू होगा आपका कॉस्ट्रेक्स का स्नेल म्यूसिन एसेंस या आपका हार्लोनिक एसिड सेरम। अब आते हैं उस इंग्रेडिएंट पे जो आपके चेहरे को लिफ्ट और प्लम्प करेगा, वो है पेप्टाइड्स। इसलिए मैं रेकमेंड करती हूँ, बहुत सारे ब्रांड्स हैं मार्केट में, मैं रेकमेंड करती हूँ ऑर्डिनरी का बुफे कॉपर पेप्टाइड सेरम। ब्लू सेरम आपने देखा होगा मेरे बाकी वीडियोस में भी मैंने यूज किया है। ये एक बहुत इफेक्टिव सेरम है जो आपके चेहरे को लिफ्ट और प्लम्प करता है, लेकिन इसके साथ आप रेटिनॉल नहीं लगा सकते, AHA, BHA कुछ नहीं लगा सकते। तो सिंपल रूटीन है आपका हफ्ते में एटलीस्ट चार बार, जो आप होगा आपका क्लेंजर, डबल क्लेंजिंग, उसके बाद स्नेल म्यूसिन एसेंस, कॉपर पेप्टाइड सेरम, और फिर आपका मॉइस्चराइजर और या नाइट क्रीम। अब देखें, जो आपकी नाइट क्रीम है वो कोई भी हो सकती है, सेटाफिल हो गई, सेरावी हो गई, कुछ भी हो गई, लेकिन मैं आपको कुछ क्रीम्स रेकमेंड कर रही हूँ जिनमें पेप्टाइड्स भी होते हैं, एल्गे एक्सट्रैक्ट्स हैं, बहुत सारे अलग अलग इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके स्किन को ओवरऑल बेनिफिट देंगे। ये मैंने आपके ऑप्शंस स्क्रीन पे डाले हैं, इनमें से कोई भी आप चूज कर सकते हैं एज योर नाइट क्रीम। ये नाइट क्रीम आपके डे क्रीम के जैसे भी डेवलप करेगी, तो आपको अलग अलग दो क्रीम्स लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सो हफ्ते में चार बार ये होगा आपका रूटीन पेप्टाइड्स के साथ। अब आ जाता है दूसरे मैजिकल इंग्रेडिएंट पे, जो है रेटिनॉल। रेटिनॉल की शुरुआत आप हमेशा करें, मेरा रेकमेंडेशन है एक रेटिनॉल बेस्ड क्रीम से, क्योंकि ये बिगिनर फ्रेंडली होते हैं, इससे इरिटेशन कम होती है, ड्राइनेस, पीलिंग, ये सारी चीजें कम होती हैं। हफ्ते में दो बार आप यूज करेंगे एक रेटिनॉल बेस्ड क्रीम। अब रेटिनॉल के साथ अगर आपको पेप्टाइड लगाना है, तो कॉपर पेप्टाइड तो आप लगा नहीं सकते, लेकिन आप लगा सकते हैं ऑर्डिनरी का मेट्रिक्सिल 3000 इन HA। ये एक अकलौता पेप्टाइड है जो रेटिनॉल के साथ क्लैश नहीं करता। सो आप लगाएंगे डबल क्लेंजिंग के बाद कॉस्ट्रेक्स का स्नेल म्यूसिन एसेंस, मेट्रिक्सिल 3000 इन HA, फिर आपका रेटिनॉल, और उसके बाद आपकी नाइट क्रीम। रेटिनॉल लगाते टाइम ये जरूर याद रखें कि रेटिनॉल आपको पी साइज अमाउंट लेना है, पूरे चेहरे पे डॉट करना है, और उसके बाद लगाएंगे, 5 मिनट का वेट करेंगे, उसके बाद लगाएंगे आप अपना कोई भी मॉइस्चराइजर। अगर आपकी स्किन रेटिनॉल को आराम से टॉलरेट कर सकती है, तो हफ्ते भर हफ्ते आप एक दिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं। तो आपका रूटीन कुछ इस तरह हो जाएगा कि हफ्ते में 3 बार आप रेटिनॉल यूज कर रहे हैं मेट्रिक्सिल के साथ, और 4 बार आप सिर्फ कॉपर पेप्टाइड सिरप यूज कर रहे हैं। जब आपकी स्किन कंप्लीटली यूज टू हो जाए रेटिनॉल यूज करते करते, आप मूव कर सकते हैं स्ट्रॉन्गर रेटिनॉल सेरम्स में। स्ट्रॉन्ग रेटिनॉल सेरम्स हैं ऑर्डिनरी में, बूट्स नंबर 7 में, बहुत सारे स्ट्रॉन्ग रेटिनॉल सेरम्स हैं जो मैं यहाँ रेकमेंड कर रही हूँ। एंड फाइनली द गोल इज टू मूव टू मेडिकल ग्रेड रेटिनॉल, दैट इज ट्रेटिनॉइड। रेटिनॉल को पूरी तरह से समझाती हुई एक वीडियो है कॉल्ड रेटिनॉल 101, जिसे मैं यहाँ लिंक कर दूंगी, उसे जरूर देखिएगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं रेटिनॉल के बारे में, आई एम श्योर वो वीडियो देख के क्लियर हो जाएंगे। और सबसे जरूरी बात, अगर आप प्रेग्नेंट हैं, नर्सिंग मदर हैं, तो रेटिनॉल आप यूज नहीं कर सकते, लेकिन पेप्टाइड्स, मेट्रिक्सिल, विटामिन सी, ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हैं। तो अगर एज अ नर्सिंग मदर या अ प्रेग्नेंट लेडी आप एक एंटी एजिंग रूटीन शुरू करना चाहते हैं, तो ये पूरे रूटीन को आप फॉलो कर सकते हैं सिवाय रेटिनॉल के।
AM skincare routine is completely safe, PM routine is also safe. इसमें से सिर्फ आप रेटिनॉल निकाल दें. अब याद रखें कि इस रूटीन को एटलीस्ट आप अगर एक महीना भी फॉलो करेंगे, जिस तरह से मैंने बताया है डिटेल के साथ जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगी, आई कैन गारंटी यू ये नहीं होगा कि आपके रिंकल्स भर जाएंगे, ऐसा नहीं होता, लेकिन स्किन स्मूथ हो जाती है, स्किन में ब्राइटनेस आ जाती है. मेरी एज 36 इयर्स है. मैं ट्रेटिनोइन, जो मेडिकल ग्रेड रेटिनॉल है, पिछले 3 साल से यूज कर रही हूँ. इट्स नॉट लाइक मेरे चेहरे पर रिंकल्स नहीं है, एक्चुअली नहीं है. मेरे चेहरे पर रिंकल्स नहीं है, कुछ लाइन्स हैं जो यहाँ पड़ गई हैं ऑब्वियसली. अब जो लाइन्स पड़ गई हैं उन्हें हम भर नहीं सकते क्रीम से, दैट इज एन अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन. बट आगे की लाइन्स ना आए, इस प्रोसेस को आप डिले कर सकते हैं, स्किन को प्लम्प कर सकते हैं कि जैसे मैंने कहा. तो ये रूटीन टू द टी फॉलो करें और एक महीने के बाद अगर आपको लगा होगा कि आपका ये 10 मिनट यहाँ वेस्ट हो गया, तो आप आके मुझे जी भर के गालियाँ दे सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में. लेकिन अगर इस रूटीन को फॉलो करने के बाद आपके चेहरे में 5-10% इम्प्रूवमेंट भी आपने देखी है, तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में आके मुझे ज़रूर बताइएगा हाउ इट हैज़ वर्क्ड फॉर यू. सो दैट इज़ द एंड ऑफ द वीडियो. मैं रिमाइंड कर दूं कि वीडियो के दौरान आपने कुछ क्वेश्चंस देखे होंगे स्क्रीन पे, ये थे गिव अवे के क्वेश्चंस. सो ज़रूर मुझे कमेंट्स में आंसर दें और मुझे बताएं कि आपके आंसर्स, ताकि आप गिव अवे के लिए क्वालिफाई कर सकें. वीडियो के आखिर में हमेशा की तरह मैं हाउ टू स्किन केयर की प्लेलिस्ट को लिंक कर रही हूँ. ये प्लेलिस्ट मैंने बहुत ध्यान से बनाई है, क्योंकि इतने 1-1.5 साल से कंटेंट बनाते बनाते मुझे अंदाजा हो गया है काफी कॉमन क्वेश्चंस का, जो सारे हाउ टू के अंदर आते हैं, कि हाउ डू आई चूज द राइट केमिकल एक्सफोलिएंट, विटामिन सी कैसे चूज करें, बॉडी में डार्कनेस है, बॉडी ओडर है, इसको हम कैसे सॉल्व करें. तो ये सारी चीजें मैंने कवर करी हैं हाउ टू प्लेलिस्ट में. तो अगर आपके पास टाइम है तो थोड़ी देर बैठ के इस प्लेलिस्ट को देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें. मैं आपसे मिलूंगी फ्राइडे को. टिल देन टेक ग्रेट केयर ऑफ योर सेल्फ. एंड मैं थोड़ा सा प्रिव्यू बता दूं, फ्राइडे को मैं आपको दूंगी दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव क्रीम्स, लाइक $1,000. आई वॉज गोइंग टू 6,000 दिरहम था एक्चुअली, लाइक $2,000 की क्रीम. उस क्रीम का ड्यूप, यानी कि उस क्रीम का ऑल्टरनेटिव जो आप यूज कर सकते हैं, आ रहा है फ्राइडे की वीडियो में. तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें. आई विल सी यू ऑन फ्राइडे. टिल देन टेक